कोरोना संक्रमण के मामले में अलीगढ़ के अंदर बहुत तेज गति से वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसे लेकर जिला प्रशासन बेहद चिंतित है। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने अलीगढ़ में फैले संक्रमण के लिए जेएन मेडिकल कॉलेज को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद अलीगढ़ में एक नए विवाद ने जन्म लिया। जिलाधिकारी के इस बयान के बाद जेएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने गहरी आपत्ति जताई है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मंगलवार को एक पत्रकार वार्ता बुलाकर डीएम के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी अपनी कमियों को छुपाने के लिए मेडिकल कॉलेज पर आरोप लगा रहे हैं। यदि उन्हें अपनी बातों पर इतना ही विश्वास है तो वे मेडिकल कॉलेज को सील करवा दें। ये जो अभी आज हमने सुबह न्यूज़पेपर्स में और वेरियस सोशल मीडिया पे एक बयान देखा डीएम अलीगढ़ साहब का कि जो कोरोना का संक्रमण है अलीगढ़ में वो मेडिकल कॉलेज की लापरवाही से फैल रहा है, और एक और बयान था जो यहाँ के भाजपा के लोकल नेता हैं जो एमएलए हैं उन्होंने कहा, ठाकुर दलवीर सिंह, उन्होंने कहा था कि ये जो कोरोना का संक्रमण है उसका हॉटस्पॉट मेडिकल कॉलेज बन चुका है। हमें इस तरह के बेबुनियाद और लापरवाही भरे स्टेटमेंट का बहुत खंडन करते हैं। हमारी एसोसिएशन इसका खंडन करती है, और मेडिकल कॉलेज के तमाम डॉक्टर जो अपनी जान जोखिम में डालते हुए इस समय जनता की सेवा कर रहे हैं, उनको सही किट और सही सामान मुहैया न कराने की वजह से ऐसा देखा गया कि पूरे इंडिया में इन्हीं वजहों से डॉक्टर भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, और ये डॉक्टर पेशेंट जो बाहर से आ रहे हैं उन्हीं से इन्फेक्ट हो रहे हैं, ना कि ये डॉक्टर्स पेशेंट्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं। ये कॉमन साइंस है, कॉमन एपिडेमियोलॉजी है, जो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे अलीगढ़ के डीएम हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उनको ये इसकी समझ होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा बयान दिया जो कि बिल्कुल ही खंडन करने लायक है, और ये स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल को घटाता है। ये अपने कमियों का ठीकरा दूसरे के सर फोड़ने के बराबर है। अगर आप किसी चीज़ में आपके प्लानिंग में कमी हुई है, आपके इसको रोकने में कमी हुई है, रोकथाम में कमी हुई है, डॉक्टर्स को प्रॉपर इक्विपमेंट प्रोवाइड करने में कमी हुई है ताकि वो ऐसे आप खुद इन्फेक्ट ना होते इन्फेक्ट से, तो पेशेंट इन्फेक्टेड पेशेंट से, तो ऐसी चीज़ों को का ठिकरा फोड़ने के लिए उन्होंने मेडिकल कॉलेज की लापरवाही बता दी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की इस नाराजगी के पीछे डीएम का दो दिन पहले दिया गया वह बयान है, जिसमें उन्होंने कोरोना संक्रमण के लिए मेडिकल कॉलेज को जिम्मेदार ठहराया था। तो आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह का वह बयान, जिसके बाद यह पूरी फजीहत शुरू हुई। कि अभी पहले हमारे पास 8 केसेस थे, 5 आज आए हैं, तो कुल मिलाकर के 13, और एक दिल्ली से आया है, वो कुल मिला के 14 केस हमारे हुए हैं, और एक डेथ हुई है, और एक आदमी हमारा ठीक होकर करके जा चुका है। ये जितने भी एरिया में से जुड़े हुए हैं ये लोग, उन सारे एरिया को हमने कंटेन कर दिया है। उस्मान पाड़ा में 5 से अधिक केस हो गए, इसलिए उनको हमने हॉटस्पॉट बना दिया है। ऑलरेडी वहाँ पर मेडिकल की टीमें लगी हुई हैं, रैंडम सैंपल हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे यहाँ का जो भी ये हो रहा है, ये क्योंकि तबलीगी जमात का यहाँ एक आदमी था, वो भी शुरू से ही उसका निगेटिव आया है, और यहाँ पर जो भी हुआ है मेडिकल इन्फेक्शन से, मेडिकल कॉलेज के माध्यम से जो इन्फेक्शन आया है उसके माध्यम से केसेज आ रहे हैं। तो देखा आपने जिलाधिकारी के इसी बयान के अखबारों में प्रकाशित होने और टीवी चैनल्स पर दिखाए जाने के बाद जेएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी आपत्ति एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से जताई। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा कि जेएन मेडिकल कॉलेज दुनिया के टॉप 20 मेडिकल कॉलेज में से एक है। यह मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ ही नहीं बल्कि 7-8 जनपदों का भार संभालता है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण की जांच और रोकथाम के लिए यह मेडिकल कॉलेज अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। कोविड-19 के इलाज के लिए भी यहां पर रिसर्च कार्य चल रहा है, और यहां के डॉक्टर अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें ज़रूरी किट भी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है, जिसके चलते मेडिकल कॉलेज के 3 चिकित्सक संक्रमित भी हो चुके हैं, और इन सब विषम परिस्थितियों में जिलाधिकारी मेडिकल कॉलेज को ही आरोपित कर रहे हैं। दरअसल वह अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि जिलाधिकारी को मेडिकल कॉलेज से संक्रमण फैलने का इतना ही डर है तो वे इस मेडिकल कॉलेज को सील क्यों नहीं करवा देते। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने उन नेताओं के बयान पर भी गहरी आपत्ति जताई है जिन्होंने मेडिकल कॉलेज को संक्रमण फैलने का कारण बताया है। उन्होंने कहा कि नेताओं को इस प्रकार की बयानबाजी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे बयानों से डॉक्टर्स का मनोबल गिरता है, जिसके कारण समस्याएं बढ़ेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि हम प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर हैं, किसी के गुलाम नहीं। अभी न्यूज़पेपर में, आज सुबह के न्यूज़पेपर में ही पढ़ा कि दोनों ही, मतलब डीएम और जो दलवीर सिंह यहाँ के जो नेता हैं, उन्होंने
जेएन मेडिकल कॉलेज को अलीगढ़ में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के लिए जिम्मेदार बताया है। तो मेरा सीधा सवाल उनसे ये है कि कैसे इसको एक्सप्लेन करें, कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो जेएन मेडिकल कॉलेज से कैसे फैल रहा है, क्या यहाँ वायरस का निर्माण किया जा रहा है, यहाँ का कोई भी डॉक्टर, यहाँ का कोई भी रेजिडेंट डॉक्टर जो इन्फेक्ट हुआ है वो क्या किसी भी तरह के ऐसे गैदरिंग में मौजूद था जहाँ इस तरह के सस्पेक्ट होने की संभावना है। तो इसका जवाब दें डीएम अलीगढ़, और तो ये पूरी जिम्मेदारी बनती है डीएम अलीगढ़ की और दलवीर सिंह जिन्होंने ये बयान दिया है। और अगर इस बयान के बाद अगर जेएनएमसी या किसी भी रेजिडेंट के साथ अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसका पूरी तरह जिम्मेदार डीएम अलीगढ़ और दलवीर सिंह साहब को माना जाएगा। देखिए डॉक्टरों की तरफ से ये है कि अभी तक तो हम पूरी सेवा भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं, अलीगढ़ की सेवा कर रहे हैं, कोरोना वायरस मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनकी जांचें कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की अगर बातें होंगी, इस तरह का बयान दिया जाएगा तो हमारा मनोबल पूरी तरह टूट जाएगा और ऐसे में हम अपनी सेवाएं जो है कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। हमारे जो सारे रेजिडेंट डॉक्टर इस चीज के खिलाफ हैं, उनमें बहुत आक्रोश है इस बयान को लेकर, और सबका यही कहना है कि हम जो है इस तरह की बयानबाजी होगी और हम अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर लोगों का इलाज कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, और इस तरह की बयानबाजी अगर पॉलिटिशियंस और लोकल ब्यूरोक्रेसी अगर करेगी तो हम अपनी सेवा नहीं दे पाएंगे। आज स्टेटमेंट डीएम का, अलीगढ़ डीएम का आया है और यहाँ के एक नेता का जो है विधायक है दलवीर सिंह का आया है, उसने ये इल्जाम लगाई है कि जो है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से जो है अलीगढ़ में कोरोना वायरस फैला है। तो मैं इन लोगों को बताना चाहूँगा कि जो है हिंदुस्तान के जो है टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में हमेशा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का नाम रहा है और जिसने हमेशा से न सिर्फ अलीगढ़ बल्कि जो है 6-7 जो जिले इससे अटैच हैं उनमें जो है ये अपना निरंतर सुविधा देता रहा है। तो एक विधायक इस तरह का बयान देकर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की छवि और हिंदुस्तान के तमाम डॉक्टरों की जो है भावना के साथ खिलवाड़ कर रहा है जो ऐसे वायरस से लड़ रहे हैं जिसका इस दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है, अपनी जान जोखिम में डालते हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि डीएम, सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता कि डीएम ने इस तरह का कोई वक्तव्य दिया है। अगर वक्तव्य दिया डीएम ने है तो ये बहुत ही ज्यादा जो है इससे लो लेवल का कोई कमेंट नहीं हो सकता है कि डीएम अपने बचाव में लगातार आरडीए के यहाँ के जो है रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपने मसले मसाइल को इन लोगों के सामने रखा कि हमें पीपी प्रोवाइड करिए, हमें दूसरी सुविधाएं प्रोवाइड करिए, नहीं तो हम लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे और हम बहुत सारे मरीजों को देखते हैं। लेकिन वही हुआ कि हम जब पर डे जो है 150-200 मरीजों को यहाँ पे देख रहे हैं, अब पूरे हिंदुस्तान को तो लॉकडाउन कर दिया, हर आदमी तो जो है किसी के कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा है, लेकिन वो सिर्फ डॉक्टर ही हैं जिनको पीपी और दूसरी सुविधा नहीं दी जाएगी, वो 150-150 लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम तमाम डॉक्टरों के मनोबल को जो है गिरा रहा है और मैं ये समझता हूँ कि अगर हिंदुस्तान कोरोना वायरस से हारता है तो ये इस तरह के जो है लो आईक्यू वाले लोग जिम्मेदार होंगे। जहाँ एक तरफ पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया कोरोना नाम की महामारी से लड़ रही है तो वहीं इन विषम परिस्थितियों में प्रशासनिक अधिकारी, राजनेताओं तथा चिकित्सकों का इस प्रकार विवाद करना किसी भी सूरत में उचित नहीं है। इस विवाद को जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए ताकि कोरोना के खिलाफ जंग को जीता जा सके। अलीगढ़ से बबलू खान की रिपोर्ट।